हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के तरफ से यहाँ पर टेक्निकल एंट्री के अंदर 10+2 का जो 49 जुलाई 2023 का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपके सामने, ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऑफिसर सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है कि आप इस पोस्ट के लिए यानी कि TES के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो क्या चेक करना है इसके अंदर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपका जो जेंडर होगा, जेंडर का सिलेक्शन करना है। और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन जो आपका होगा, अपना क्वालिफिकेशन का आपको डाल देना है। इसके बाद अपियरिंग में है या पास हो चुके हैं, आपको उसका सिलेक्शन करना है। और फिर अपना मैरिड है कि अनमैरिड है उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर चेक करके बताया जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है और TS के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिख आ जाएगा कि TES 10+2 जिसमें कि 16.5 से लेकर 19 साल तक का जो क्वालिफिकेशन आपका एज लिमिट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है इसका साफ मतलब होता है कि आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपने पहले कभी भी आर्मी का फॉर्म ऑफिसर एंट्री का नहीं भरा है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने JCO या OR के तरफ से पहले भरा था तो आपको JCO का आपको ID यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफिसर एंट्री के लिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे की ओर आएंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, तो होगा तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो आपको नन का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नाम पूछा जाएगा, आपको अपना नाम भरना है जैसे कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में था, और फिर अपने पापा या गार्जियन का नाम लिखना है जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में था, और फिर अपने मम्मी का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और ईमेल ID जो चालू होगा क्योंकि ईमेल ID के ऊपर भी OTP आएगा वो डालना होता है, और जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो डालना है, और इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करना है और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आपकी ईमेल ID पे OTP आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, तो जो होगा आपको डालना है। इस कैप्चर कोड को यहाँ डालने के बाद सबमिट का जो ऑप्शन है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ प्रोसेस आगे की ओर बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे जेंडर पूछेगा तो जेंडर का सिलेक्शन करना है, मैरिड है कि अनमैरिड है उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप इसको प्रोसेस कोना कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको यहाँ जवाब दे देना है, ठीक है। उसके यहाँ जवाब देने के बाद और आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, और जो पासवर्ड जो है आपका वो ध्यान रखना है कि कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और साथ में कुछ अल्फाबेटिक नंबर होना चाहिए, और अपने पासवर्ड को फिर यहाँ पे कन्फर्म भी करना है। इसके बाद नीचे एक और आएंगे तो यहाँ पर टेंथ का डिटेल आपको डालने के लिए कहा जाएगा कि टेंथ किस बोर्ड से पास किए हैं, किस राज्य से पास किए हैं उसका सिलेक्शन करना है, और सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद टेंथ का मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जो कि 200 KB से कम होना चाहिए और वो भी PDF फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद एलिजिबल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो भी आपका कम्प्लीट है तो 10+2 का यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपीयरिंग में है या पास कर चुके हैं, वो आपको यहाँ दे देना है। इसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट भरने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड होगा, इस कैप्चर कोड को डालने के बाद सेव के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपका ID लॉगिन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा आपका टेक्निकल ETS लिखा रहेगा, सिंपल समझ लीजिए टेक्निकल एंट्री सर्विस लिखा रहेगा, आपको TES के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन होगा, आपको अप्लाई यहाँ पर आएगा तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपका होगा वो देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर पहले आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फोटो 5 से 20 KB का पेज का होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, और जो आपका बैकग्राउंड होगा फोटो का वो आपको व्हाइट दे सकते हैं या लाइट बैकग्राउंड दे सकते हैं, वो चल सकता है। इसका आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 10 KB के बीच के अंदर JPEG फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपका नेशनैलिटी होगा, अपना नेशनैलिटी का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि संचार विवरण भरने के लिए कहा जाएगा। एड्रेस भरना है, यहाँ पे पहला में विलेज दे सकते हैं, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस और थाना जो होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद सिटी, टाउन या विलेज का क्या नाम है वो लिखना है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिला आपका क्या है वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद पिन कोड क्या है पिन कोड लिख देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करेस्पोंडेंट से सेम होगा तो आपको यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। परमानेंट का मतलब ये हो रहा है जहाँ से आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है रेसिडेंशियल या डोमिसाइल बोलते हैं, वो जहाँ का बना है उसी को परमानेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है और सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे एजुकेशन डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अब एजुकेशन डिटेल्स का आपको भरना होगा। और अब इसके बाद यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो 12th में आपका जो था उसमें कितना मार्क्स आपका आया है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स लिखना है और कितना में आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा इस 3 सब्जेक्ट का। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा शैक्षिक विवरण यानी कि एजुकेशन डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे 10+2 का सिलेक्शन कीजिएगा, किस बोर्ड से पास किए उसका सिलेक्शन कीजिएगा, और स्कूल का टाइप पूछेगा तो आप यहाँ पे स्कूल का नाम जो रहेगा बहुत सा उसमें देखे आपका अगर नाम नहीं आ रहा तो अदर्स का सिलेक्शन कीजिएगा, और फिर अपने स्कूल का जो नाम होगा यानी 12th जहाँ से पास किए हैं उसका यहाँ पे आप सिलेक्शन कर दीजिएगा या आपको लिख लीजिएगा। इसके बाद NDA कोर्स यानी कि जो NDA और JEE मेंस जो होता है उसमें अगर आप ये होंगे तो उसका आपको डिटेल भरना होगा, जिसमें अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप कभी भी पैरेलल NDA कोर्स के लिए अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर इस बार NDA अप्लाई किए हैं तो उसका आपको रोल नंबर और सीरियल नंबर देना होगा, नहीं हुए हैं तो नो के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर JEE मेंस के लिए अप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं 2022 वाला का, तो अगर किए हैं तो एप्लीकेशन नंबर देना है, और फिर मेंस का रोल नंबर देना है, और ऑल इंडिया कितना आपको रैंक आया था वो देना है। इसके बाद फिर देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या कि आपका कितना आपको स्कोर किए हैं वो भी आपको देना होगा। उसके बाद 7 कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे SSB का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, तो SSB में कभी इंटरव्यू में कभी गए हैं तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और बताना है किस इंटरव्यू में गए हैं, कहाँ गए थे और किस महीने गए थे और रिजल्ट क्या हुआ था। अगर नहीं कहीं गए हैं तो नो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको ये भरने की जरूरत नहीं है, और फिर आपको 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा आपको जो डिटेल आपने जो भरा है वो सब कुछ सही है कि गलत है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ सही है तो सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर फॉर्म कुछ अभी भी गलती लग रहा है तो यहाँ पे कैंसिल एप्लीकेशन का आप कैंसिल करके फिर से फॉर्म को भर सकते हैं। और जो फॉर्म को जो प्रिंट आउट मिलेगा वो जब लास्ट डेट जो होगा फॉर्म का डेट उस दिन आपको प्रिंट मिल जाएगा, और रोल नंबर आपका फॉर्म कंप्लीट होने के 30 मिनट के बाद आपको मिल जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार का एडिट आप नहीं कर सकते हैं और आशा करता हूं ये फॉर्म इस प्रकार आसानी से भर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।